हाँ मैडम बोलिए, ये किससे गलती हुई? ये 18 डेज से है सो, गलती कैसा हुई मैडम? ये कौन लिखे डिस्चार्ज हुए सो? 18 दिन से है सो, ये थायराइड की गोली मेरी मिसेस खा रही। बुलाइए आप वो सिस्टर को, कौन लिखे करे अब 18 दिन के कौन है? ये खाना आपके भी बताया था मैं मैडम, ब्लड टेस्ट कराइए, पूरा ट्रीटमेंट कराइए। और ये कॉल लिखे, आई विल कॉल टू मीडिया, आई विल इन्फॉर्म ईच एंड एवरी पर्सन, आई नीड टू रेक्टिफाई दिस मैडम। ये कैसा मिस्टेक होती मैडम बोलिए आप? आर यू एग्रीड दैट मिस्टेक हैपन फ्रॉम योर साइड? एग्जैक्टली यस और नो मैडम? वो कौन ऐसे सिस्टर लिखे एंड हाउ यू गिव परमिशन टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर सिस्टर? ड्यूटी डॉक्टर ओनली। ओके ओके, इट्स हैपन, दिस इज थायराइड मेडिसिन। हाँ, आफ्टर डिलीवरी यू गिव द ट्रीटमेंट, इन द ट्रीटमेंट हैव मिस्टेक दैट यू गिवन द योर स्टाफ गिवन द रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। वेरी गुड मैडम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान अली है। मेरी वाइफ को 18 दिन पहले फराना गरीब हॉस्पिटल को मैं अप्रोच हुआ था, ऑपरेशन से ऐसा बेटा हुआ मेरे को। तो यहाँ पर 18 दिन पहले जब डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज के टाइम पे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन दिए थे डिस्चार्ज के बाद ऐसे दवाएं खाने के लिए। तो मेरी वाइफ को ऐसे थायराइडिनियन ना थायराइड की ऐसे टैबलेट दे दिए मेरे को। तो मेरी वाइफ ऐसे 18 डेज से ऐसे टैबलेट खा रहे, तो तबीयत खराब होने से 2 दिन पहले ऐसे अभी मैं आके ऐसे हॉस्पिटल में बताया तो ये मैडम ऐसे कट कर दिए और उनका ऐसे एक्सेप्ट कर रहे कि ऐसे हमारी तरफ से ऐसे ये टैबलेट बाई मिस्टेक हो गया। सिस्टर को बुला के ऐसे बातें करे हम के सामने कि ऐसे क्यों दिए, बोलते मैडम जल्दी मैं ऐसे मैं दे दूँ, बल्कि ऐसे क्यों लिए? ये थायरोनोम में ऐसे टैबलेट है, 375.5 mg टैबलेट है ये, जो 18 डेज से खा रहे। वो तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने से मैडम से अप्रोच हुआ, मैडम ऐसे मिस्टेक एक्सेप्ट कर लिए। वो हो गया बात, ऐसे मैं चादरघाट पीएस को ऐसे अप्रोच हुआ कंप्लेंट के लिए। ये कंप्लेंट लेटर है मेरे पास, तो चादरघाट पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, ये कंप्लेंट ले लेके ऐसे DMHO को जाओ बोल के बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को ऐसे अप्रोच हुआ बोल के बोल रहे हैं लेटर के साथ। इंशाल्लाह मैं वहां पर भी जाके ऐसे कंप्लेंट करूंगा, DCP को भी करूंगा, कमिश्नर तक भी जाऊंगा। मेरा मुकाबला ये है कि ऐसे कहना कि ऐसे भाई पब्लिक अवेयरनेस के लिए ऐसे मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ, किसी के साथ ना हो, इसके जरिए ऐसे ये मीडिया के जरिए ये इन्फॉर्मेशन मैं जो दे रहा हूँ पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कि ताकि ऐसे पब्लिक तक ऐसे इन्फॉर्मेशन जाए कि लोग गाफिल ना बने, जो डिस्क्रिप्शन ले रहे प्रॉपर तरीके से ऐसे आर्ग्यूमेंट करके प्रॉपर तरीके से बातचीत करके मैडम से सही ऐसे ट्रीटमेंट इलाज होना साहब। ये टैबलेट खा के तबियत खराब, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कुछ हो जाता था, कुछ इमरजेंसी कुछ हो जाती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता।